आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेडियो कार्यक्रम दिल से में शाम 6 बजे प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा, राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में आयोजित मुख्यमंत्री कौशल सम्मेलन में कहा है कि इस वर्ष 15 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। श्री चौहान ने प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने को कहा है। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी राज्य सरकार ने पहल की है। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सतना के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में वोटों की गिनती 14 टेबल और 19 राउंड में होगी। इस उपचुनाव में 9 निर्दलीय सहित 12 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। यहां 9 नवंबर को हुए मतदान में 65.5% वोट डाले गए थे। उपचुनाव कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन के कारण कराए गए थे। मतगणना की सुरक्षा के लिए CAPF की एक कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की फिलीपींस यात्रा पर आज रवाना होंगे। उनकी फिलीपींस की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिसमें वे मनीला में आसियान भारत और पूर्व एशिया शिखर बैठकों में भाग लेंगे। फिलीपींस की यात्रा पर रवाना होने से पहले कल प्रधानमंत्री ने कहा कि इन शिखर बैठकों में उनके भाग लेने से विशेष रूप से आसियान के सदस्य देशों के साथ संबंध मजबूत बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विद्यार्थियों से मानवता के हित में कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा दीक्षा में समाज और देश का योगदान भी है, इसलिए इस ऋण को चुकाने के लिए वे सदैव तत्पर रहे। श्री कोविंद कल अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा है कि उनके अध्ययन का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 1365 छात्रों को उपाधि और 113 विद्यार्थियों को विशिष्ट उपलब्धि के लिए मेडल प्रदान किए। प्रदेश में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु तक के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाना है। इंदौर निर्वाचन कार्यालय 15 नवंबर से पूरे शहर में घर घर जाकर सर्वे करेगा, जिसमें बूथ लेवल पर निर्वाचन अधिकारी नए मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। खंडवा में भी अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया है कि अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोग ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य मान्य पहचान पत्र की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी। वहीं मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति के लिए 30 नवम्बर तक का समय दिया गया है। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कल दतिया के पास चितुआ गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के कार्यों का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों के सुझाव पर डॉ. मिश्र ने 320 आवासों की कॉलोनी का नाम मोदी नगर रखने तथा चिरुला से सोनगिरी तक सिटी बस का संचालन शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर मंत्री डॉ. मिश्र ने 1,46,00,000 रुपए लागत के मार्ग निर्माण, सीवर और पेयजल की पाइपलाइन के कार्यों का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने विद्युतीकरण के लिए राशि स्वीकृत करते हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉ. मिश्र ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने जीएसटी परिषद द्वारा 178 वस्तुओं को कर के दायरे से बाहर करने के फैसले की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और व्यापारी वर्ग भी खुश रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि सरकार की मंशा देश में आर्थिक सुधार कर भारत को कारोबारी स्पर्धा में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज पेज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आकाशवाणी से प्रसारित रेडियो कार्यक्रम दिल से में प्रदेशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मुख्यमंत्री गरीब कल्याण और विकास विषय पर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण शाम 6 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा किया जाएगा। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। ये दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1947 में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खसरा और रुबेला पर विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने इन रोगों से निपटने में भारत के टीकाकरण अभियान की प्रशंसा की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ खसरा उन्मूलन और रुबेला रोग पर नियंत्रण की नीतियों और प्रयासों की समीक्षा की। एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि विशेषज्ञ समूह ने माना है कि इन दोनों रोगों से निपटने के लिए भारत ने अच्छा काम किया है। सांसद आलोक संजर और मध्यप्रदेश रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत देशमुख ने कल क्रिस्प परिसर में कला और शिल्प पर आधारित दो दिवसीय प्रदर्शनी आशियाना का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में युवा और उभरते कलाकारों द्वारा शिल्प और कलात्मक वस्तुएं तैयार कर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केंद्र अंडर द बैम्बू ट्री नामक रेस्टोरेंट है। दिल्ली में खराब मौसम और कोहरे के कारण कल इंदौर एयरपोर्ट पर आने वाली करीब 5 फ्लाइट प्रभावित हुई। कई विमान एक घंटे की देरी से आए। विमानतल प्रबंधन के अनुसार देर से आने वाली उड़ान लगातार कई दिनों से प्रभावित हो रही है। वहीं उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। प्रदेश में ठंड का असर दिखने लगा है। राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में कल सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत की तरफ से आ रही हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। सर्दी का असर अब धीरे धीरे बढ़ेगा और रात्रि के तापमान में और गिरावट दिखेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान शहडोल संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस छिंदवाड़ा जिले में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कल शाम 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले आवासों की आधारशिला रखी। नरसिंहपुर जिले में जिला पंचायत सीईओ ने कल कई ग्रामीण स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूल बंद पाए जाने पर उन्होंने प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सांसद मनोहर अटवाल आज आगरमालवा जिले के आदर्श ग्राम सुधवास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवास गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिंड जिले में भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों के खातों में भावांतर राशि जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिवपुरी जिले में रबी फसल की बोनी शुरू हो चुकी है, लेकिन गिरदावरी ऐप पर रकबा फीड नहीं होने के कारण 47 पटवारियों की दो दो वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं। मुरैना जिले में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूमि विवाद बंटवारा नामांतरण के प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाए। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की स्मृति में आज मुशायरा तथा कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इंदौर जिले में भावांतर भुगतान के तहत पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि 20 नवंबर तक उनके खातों में जमा कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिलों में स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद शुरू होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेडियो कार्यक्रम दिल से में शाम 6 बजे प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा, राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।